हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी मास्टर में। दोस्तों, मेरे हाथ में है ओप्पो F17 प्रो, जो कि अभी मार्केट में बहुत छाया हुआ है और बहुत धमाल मचा रहा है। लेकिन इस फ़ोन में एक फीचर ऐसा है जो कि आपको निराश कर देगा, मतलब कि जो कि आज की डेट में बहुत रिक्वायर्ड होता है हर किसी के लिए। वो फीचर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है, मतलब आप कहेंगे नहीं होता तो बेटर था। जी हाँ, वो फीचर है कॉल रिकॉर्डिंग का। अगर आप फ़ोन ख़रीद रहे हो और आपको कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप ये फ़ोन मत खरीदिएगा। मैं पहले बता रहा हूँ वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, और जो उसका कन्फ्यूजन फीचर है, मतलब कन्फ्यूज कर देने वाला फीचर है, वो भी बताता हूँ। पहली बात, जब आपका फ़ोन आता है या आप करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी, आपको रिकॉर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। और दूसरा कन्फ्यूजन वाला फीचर ये है, जब आपकी कॉल रिकॉर्ड होगी तब दूसरे पर्सन को मैसेज चले जाएगा, योर कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो दूसरे पर्सन को भी पता चल जाएगा कि जो कॉल हो रही है वो रिकॉर्ड भी हो रही है, क्योंकि हम अगर कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम सामने वाले को नहीं बताएंगे कि हम कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। और तीसरी बात, जो कॉल रिकॉर्ड आपने की है वो आपको फाइल मैनेजर में कहीं नहीं मिलेगा। आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाएंगे, कहीं आपको ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ये मिलेगी आपको आपके कॉलिंग हिस्ट्री में। जब आप जिस पर्सन को कॉल किया उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड की डिटेल खुल जाएगी, और वहीं पर ऑप्शन आएगी लिसन टू रिकॉर्डिंग। अब वहीं पर सुन सकते हैं जो भी आपने रिकॉर्डिंग की होगी। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, तो आप देख सकते हैं जैसे ऊपर की कॉल में कहीं भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैंने रिकॉर्ड किया वो नीचे ऑप्शन आ रही लिसन टू रिकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप क्लिक करके रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, दूसरे फ़ोन में सेंड कर सकते हैं। तो ये एक फीचर भी कन्फ्यूजन वाला है, मतलब बाई चांस अगर आप एक कॉल डिटेल डिलीट मार देते हैं तो आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सब डिलीट हो जाएगी। और पहले फ़ोनों में ये होता था कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग आपके फाइल मैनेजर में सेव हो जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ये फ़ोन बाय कर रहे हैं तो आपको ये फीचर पता होना चाहिए कि ये कैसे यूज़ होगा और इसकी क्या क्या खामियां है या बेनिफिट है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हम फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नए फीचर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।